Good morning, everyone. Today we will learn about our four chapter parts of a computer. है ना, जैसे कि हमने पिछले वाले chapters में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे parts, हमारे computer के बहुत सारे parts होते हैं, तो आज उन्हें एक एक करके detail में पढ़ते हैं. Okay? Parts of a computer system. A computer also has different parts to do different jobs. हमारे कंप्यूटर के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी टू डिफरेंट जॉब्स. हमारे पास भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, जैसे कि यूज अवर हैंड टू पिक अप थिंग्स. हम अपने हाथों का यूज करते हैं कुछ सामान उठाने के लिए. वी यूज अवर लेग टू वॉक, अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए. इसी तरीके से कंप्यूटर भी अपने पार्ट्स का अलग अलग यूज करता है. जैसे कि देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं पर फोर मेन पार्ट्स होते हैं. दे आर मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड. दीज आर फोर मेन पार्ट्स. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दीज कंप्यूटर parts and find out more about it. Okay, monitor. The monitor is like a television screen. आपने देखा होगा कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, एक जो मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर आपको पिक्चर्स जो आप काम कर रहे हो वो सब चीज डिस्प्ले होती है ना. और ये किसकी तरह लगता है आपको, हमें देखने में ये किसकी तरह लगता है, टीवी स्क्रीन की तरह ना. It display picture and work. जो आप काम करते हो, जो आप पिक्चर देखते हो, जो आप कार्टून देखते हो, वो इस पे डिस्प्ले होता है. You can watch cartoons and films on it, on the monitor. आप इसके ऊपर मूवीज भी देख सकते हो, मॉनिटर इसमें अपनी फिल्म्स भी देख सकते हो, कार्टून्स भी देख सकते हो, है ना. You can use it to play computer games too. इसमें आप अपने गेम्स भी खेलने के लिए इसको यूज कर सकते हो. ओके, और ये आपको टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. सीपीयू. सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. इट does all work and also make the other parts work. CPU को हम किस नाम से जानते हैं, Central Processing Unit. ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज आप वर्क करते हो वो इसी के अंदर जाके स्टोर होता है. It does all work. ये सारा काम करता है और यही सारे पार्ट्स को काम कराता है. ठीक है, इसी की हेल्प से आप सारे पार्ट का काम कर पाते हो. इसी के अंदर देखो, मैंने इस पिक्चर में हाईलाइट करा हुआ है डीवीडी राइटर. आप सीडी वगैरह जहां लगाते हो वो सबसे ऊपर का मेन पार्ट होता है, वो ओपन हो जाता है और इसका एक छोटा सा बटन होता है बीच में, वो होता है पावर बटन. ओके, माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है. आपको किसी भी फोल्डर में जाके कुछ ओपन करना है तो माउस के थ्रू ही तो करते हो, या किसी चीज को पॉइंट आउट करना होता है कि ये वाला फोल्डर ओपन करना है, ये वाला काम करना है, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, माउस के. इट हैज टू बटन एंड अ स्क्रॉल व्हील इन द सेंटर. इसमें आपके पास दो बटन और एक व्हील होती है जो सेंटर में होती है, वो आप ऊपर नीचे करके आप अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो स्क्रीन को ऊपर नीचे उस व्हील की मदद से. ओके, इट इज यूज टू पॉइंट आउट अ कैरेक्टर और थिंग ऑन द कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप किसी भी चीज को, किसी भी कैरेक्टर को पॉइंट आउट कर सकते हो, और किस पर, मॉनिटर स्क्रीन पर. ओके, इसकी मदद से, माउस की मदद से. यू कैन सेलेक्ट और क्लिक एंड इवन ड्रॉ ऑन द मॉनिटर विद अ माउस. आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप कुछ भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो माउस की मदद से.
Mouse is also used for dragging और moving things on the monitor. आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसको ऊपर नीचे करने के लिए माउस का यूज कर सकते हो. इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि क्या स्क्रोल व्हील है, राइट बटन कौन सा है, माउस वायर कौन सी होती है, लेफ्ट बटन कौन सा होता है. ओके, कीबोर्ड. देयर आर मैनी स्मॉल कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड किसको कहते हैं, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी कीज होती हैं और बहुत सारी कीज होती हैं इसके अंदर स्मॉल स्मॉल, उसको कीबोर्ड कहते हैं. इसकी मदद से आप कुछ भी चीज टाइप कर सकते हो. यू कैन टाइप अल्फाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स बाय द प्रेसिंग दीज कीज. आप अगर नंबर टाइप करना चाहते हो तो नंबर की को प्रेस करोगे, अल्फाबेट टाइप करना चाहते हो तो अल्फाबेट कीज को यूज टाइप करोगे, है ना. वट एवर यू प्रेस अ की, द सेम कैरेक्टर इज टाइप एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर. कुछ भी आप टाइप करते हो वो सेम कैरेक्टर आपका डिस्प्ले होता है मॉनिटर पर. ओके, कीबोर्ड की हेल्प से. इसके अंदर और बहुत पार्ट्स होते हैं. ये होते हैं, ये पीछे यूपीएस, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, ये होते हैं फोर मेन पार्ट्स. पर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स और होते हैं, मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि इस तरीके से होते हैं. स्पीकर. स्पीकर से आप क्या कर सकते हो, जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो तो साउंड किससे आती है, स्पीकर से ही ना. तो ये रहा, स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू द म्यूजिक एंड माउस एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर. स्पीकर आर यूज टू लिसन टू द साउंड एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर. आप इसकी मदद से कोई भी साउंड को सुन सकते हो और म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, है ना, कंप्यूटर पर. हेडफोन्स. हेडफोन्स कंटेन स्मॉल स्पीकर्स. ये क्या होता है, ये छोटे स्पीकर्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही पर्सन के लिए हो सकते हैं. ये आप अगर अपने कान पर लगाते हो तो इसकी मदद से सिर्फ आप ही को सुनाई देगा और किसी पर्सन को नहीं सुनाई देगा. ओनली वन पर्सन हु इज वियरिंग हेडफोन्स कैन लिसन टू द साउंड. आप इसकी मदद से सिर्फ अपने आप सुन सकते हो, दूसरा पर्सन इसकी मदद से नहीं सुन सकता. जो इसको वेयर करता है वही से सुन सकता है. और स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर में आप काफी, मतलब जितने जने रूम में बैठे हैं, जितने जने वहां बैठे हैं जो कंप्यूटर के आसपास है, वो सब सुन सकते हैं. पर हेडफोन्स में आप सिर्फ आप सुन सकते हो जो इसे वेयर करता है. प्रिंटर. दे आर यूज टू प्रिंट प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन अ पेपर कॉल्ड द प्रिंटआउट और हार्ड कॉपी. प्रिंटर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपको किसी भी पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी फॉर्मेट का आपको प्रिंटआउट चाहिए तो आप प्रिंटर की मदद से ले सकते हो. और जब वो प्रिंटआउट निकल कर आता है, प्रिंट निकल कर आता है, उसको क्या कहते हैं, प्रिंटआउट या फिर हार्ड कॉपी. ओके, सीडी एंड डीवीडी. सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क. These are mainly used to store music, video and data files. इन दोनों में आप क्या कर सकते हो, सीडी या डीवीडी की मदद से आप लोग ना म्यूजिक, वीडियोस, डाटा फाइल्स को एक सीडी या फिर डीवीडी में स्टोर कर सकते हो, जहां एक ही जगह वो डाटा स्टोर हो जाता है. डीवीडी कैन स्टोर मोर डाटा देन अ सीडी. डीवीडी में क्या फर्क होता है और सीडी में क्या होता है, सीडी में सिर्फ आप लिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हो, पर डीवीडी में आप बहुत सारा डाटा यूज कर सकते हो, मोर देन सीडी. सीडी से ज्यादा आप डीवीडी में अपना डाटा स्टोर कर सकते हो. ओके, पेन ड्राइव. इट इज अ स्मॉल बार शेप्ड स्टोरेज डिवाइस. ये छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारा डाटा आपका सेव जाता है और आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते हो. इट इज इजी टू use and carry. It is store a large amount of data. It is called a flash device. इसमें क्या होता है, फ्लैश ड्राइव. इसमें क्या होता है, आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत सारा डाटा इसमें जरा से में आप स्टोर कर सकते हो. छोटी सी होती है पेन ड्राइव, इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हो. बहुत आसान होता है इसको यूज करना.
ओके और इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव. थैंक यू. नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय.